तो आप सभी का फिर से स्वागत है दिल्ली रोड्स ब्यूटिफिकेशन की एक और नई वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो आप सामने ट्रैफिक देख पा रहे हैं ये नारायणा की तरफ से आ रहा है और इस तरफ धोलाकों की तरफ जा रहा है और आज की वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से छोटे छोटे से पिलर्स बनाए गए हैं ताकि टू व्हीलर वालों को साइकिल ट्रैक पे आने से रोका जा सके। इस स्ट्रेच को काफी ब्यूटीफुली रीडिजाइन किया गया है विच लुक्स प्रीटी कूल। ये धोलाकों का स्ट्रेच है और राइट साइड में आप देख सकते हो ये है मेट्रो का ट्रैक। ये पिंक लाइन मेट्रो है जो कि शिव विहार से लेकर मजिस पार्क तक जाती है। और अभी जिस ट्रैक पर मैं चल रहा हूँ ये बेसिकली साइकिल ट्रैक है, इसको भी रेड कलर का पेंट होना बाकी है। और राइट साइड में पेडेस्ट्रियन ट्रैक। अब मैं आ गया हूँ पेडेस्ट्रियन ट्रैक के ऊपर। यहाँ कुछ इस तरह से ग्रे कलर्स की टाइल लगाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी हैं और कुछ इस तरह से राउंड वाली इधर LED लाइट्स भी लगाई गई हैं। पहले ये एरिया वैसे वेस्ट पड़ा रहता था लेकिन इसको रीडिजाइन करके काफ़ी ब्यूटीफुल बना दिया गया है। तो दिल्ली में काफ़ी सारी रोड साइड स्ट्रेचेस को रीडिजाइन किया गया जिसमें से धोलाकों भी एक है। मायापुर से मोतीबाग का स्ट्रेच तकरीबन 8.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जिसको कि रीडिजाइन किया गया है और धोलाकों का स्ट्रेच भी उसी के बीच में आता है। तो आप राइट साइड में देख सकते हो ग्रीनरी पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस किया गया है। तो मैंने मोतीबाग से लेकर नारायण तक के इस पूरे स्ट्रेच को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके कवर किया गया जिसमें मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ सामने देखा ऐसे कुछ स्टील की रॉड्स भी बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी और सुंदर लग रही हैं। और ख़ास बात ये है कि यहाँ ग्रीनरी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है और यहाँ काफ़ी सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स भी लगाए गए जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और कटिंग भी आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ कटिंग भी की गई है। एरिया काफ़ी वाइड है और काफ़ी इनोवेटिव तरीके से इसको रीडिजाइन किया गया है। पहले ये एरिया काफ़ी ज़्यादा अनइवन हुआ करता था, डस्टी हुआ करता था, लेकिन अब इसको रीडिजाइन करके काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया गया है। तो थोड़ा सा और आगे आने के बाद देखो यहाँ हमें लाइटिंग के पोल कुछ अलग तरीके के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लाइटिंग के पोल चेंज होंगे, बिल्कुल एक हेरिटेज लुक दे रहे हैं जैसे पुराने टाइम में हुआ करते हैं ना, सेम वैसी वाली फील आ रही है। तो दोस्तों वॉकिंग काफ़ी स्मूथ होने वाली है और दिल्ली में काफ़ी टाइम से ज़रूरत भी थी कि रोड के साइड में पैदल चलने वालों के लिए एक प्रॉपर पेडेस्ट्रियन बना दिया जाए। तो अब यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हो अभी कुछ काम होना बाकी है, प्लांटिंग के लिए जगह दी गई है और पीछे जो एरिया देख सकते हो ये फॉरेस्ट एरिया है। और वॉकिंग काफ़ी स्मूथ हो गई है और आपको वॉक करने में काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। और दिल्ली में 100 रोड्स और ऐसी सेलेक्ट की गई हैं जिनको अभी और ऐसे ही रीडिजाइन किया जाएगा। तो आप राइट साइड में देखते हो यहाँ मिट्टी डाल दी गई और यहाँ प्लांटिंग की जाएगी जो कि बाद में काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो अभी काम होना बाकी और काम थोड़ा बहुत यहाँ चल भी रहा है। तो साथ में है जी रिंग रोड्स, आप ट्रैफिक देख सकते हो कितना स्मूथ है और ऊपर है मेट्रो ट्रैक और ये ग्रीन लाइन बस जा रही जो कि DTC की है और ये साइनेज बोर्ड लगे हुए हैं कि आपको अगर करोलबाग और इंडिया गेट जाना है तो आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है। रोड आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं ये नारायणा की तरफ से आ रहा है और इस तरफ धोलाकों की तरफ जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ। आप सामने देख सकते हो कि साफ सफाई का काम चल रहा है और सफाई देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से इस जगह को मेंटेन भी किया जा रहा है। ऐसा काम करने के बाद उसको मेंटेन करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है अपने आप में जो कि बखूबी किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हो, नीचे देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से सफाई की गई है और टाइल्स बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई दे। तो दोस्तों 2 से 3 लोग यहाँ लगे हुए हैं इस एरिया को साफ़ करने में, वो आप साफ़ सफाई सामने देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इसको नीट एंड क्लीन कर दिया है। तो अगर आप वीडियो पे यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो को बनाने में। थोड़ा सा और आगे आने के बाद ना देखो एरिया काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता है। यहाँ देखो यहाँ कुछ स्टेप बनाए गए हैं, यहाँ जिस पर ग्रेनाइट मार्बल लगाया गया है, ये स्टेप से आप उतर के सीधा आप साइकिल ट्रैक पे आ जाओगे। ये है साइकिल ट्रैक यहाँ का और उसके साथ ही पेडेस्ट्रियन ट्रैक भी बनाया गया है। और राइट साइड में रिंग रोड है और ऊपर आप देख सकते हो राइट साइड में मेट्रो भी जा रही है जो कि पिंक लाइन मेट्रो का ट्रैक है।
तो दोस्तों मैंने दिल्ली रोड्स ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की अपने चैनल पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा और आगे आने के बाद ना देखो, यहाँ दो बस स्टैंड है जो कि धोलाकोंग के बस स्टैंड और राइट साइड में रिंग रोड और ऊपर है मेट्रो ट्रैक। कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो दोस्तों इस एरिया में ना मुझे एक कमी दिखाई दी कि इतना लंबा वॉकिंग स्ट्रेच होने के बाद यहाँ बैठने का कुछ भी इंतजाम नहीं किया गया। हालांकि आप मोती बाग का स्ट्रेच देखोगे तो वहाँ बैठने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। यानी मोती बाग के एरिया में आपको ओपन एयर सीटिंग का भी प्रोविज़न दिया गया, जो कि यहाँ भी कुछ होना चाहिए था। तो आपको ना इन सब स्ट्रेचेस पे ना ऐसे कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर गार्ड्स दिखाई देंगे, जो कि इस एरिया की रख रखाव के लिए, ताकि कोई भी लोग इधर इंक्रोचमेंट ना कर पाएं या कुछ भी इस एरिया को ख़राब ना करें, ताकि जैसा एरिया बना दिया गया वैसा ही मेंटेन रह सके। ट्रैफिक आप देख सकते हो कितना स्मूथली चल रहा है, नारायणा से आ रहा है और इस तरफ धोलाकोंग की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों दिल्ली की रोड्स का ये ब्यूटिफिकेशन दिल्ली वालों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। अगर आप भी इस रोड से गुजरते हैं या आपने ये सब देखा है तो आप अपने कमेंट्स करके बता सकते हैं आपको ये सब कैसा लगा। और दिल्ली में इस तरह के चेंजेस के ऊपर आपकी क्या राय है, आप अपने वैल्यूएबल व्यूज कमेंट्स के थ्रू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और आगे आने के बाद देखो, यहाँ भी कुछ ऐसे बैरिकेड्स लगाए गए ताकि टू व्हीलर वालों को आने से रोका जा सके। देखो यहाँ है एक सबवे, ये सबवे पहले भी था लेकिन इसको अब काफ़ी अच्छे तरीके से रीडिज़ाइन किया गया। देखो रेड कलर की इसमें रूफ लगाई गई है और नीचे देखो ऐसे ब्लैक कलर का ग्रेनाइट स्टोन लगाया गया है। तो दोस्तों बाहर से देखने से ना कुछ इस तरह का व्यू सबवे का काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ग्लास की वॉल बना दी गई जो कि मॉडर्न लुक दे रही है सबवे को। तो रोड के दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से डिज़ाइन किया गया जैसा यहाँ डिज़ाइन किया है। देखिए सामने आपको मैं दिखा दूँ, सेम ऐसा ही डिज़ाइन वहाँ बनाया गया दूसरी तरफ भी। तो दोस्तों एक बार ना मैं आपको पार चल के सबवे की वॉल दिखाता हूँ जो ग्लास की बनाई गई है। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से साफ सफाई की गई है, ग्लास कितना चमक रहा है और सामने भी आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ मेंटेनेंस पे ध्यान दिया गया। तो दोस्तों मैं चलते चलते ना धोलाकोंग के उस पॉइंट पे आ गया हूँ कि यहाँ से अगर आप सीधा जाते हो तो आप मोतीबाग साउथ एक्स मेडिकल होते हुए आश्रम चौक की तरफ चले जाओगे। अगर आप यहाँ से करोलबाग जाना चाहते हो, इंडिया गेट जाना चाहते हो, पटेल नगर जाना चाहते हो, आपको यहाँ से लेफ्ट जाना है। और अगर आप गुरुग्राम जाना चाहते हो यहाँ से आपको राइट जाना है। तो दोस्तों आज की इस खूबसूरत और मज़ेदार वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई लोकेशन के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल।